हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा पांच ऐसे तरीके जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल जो है अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और आप इसको सब्सक्राइब इस रेड बटन को दबा के कर सकते हैं। सो गाइज, आज मैं जो आपको पांच सिंपल सिस्टम ट्विक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसकी हेल्प से आपका पीसी जो है पहले की तरह स्लो से फास्ट चलने लगेगा और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला तरीका है उसके लिए आपको सर्च में टाइप करना है पावर ऑप्शन, और इस पर आपको क्लिक करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, बैलेंस रिकमेंडेड एंड हाई परफॉर्मेंस। इसको आपको चेंज करना है हाई परफॉर्मेंस पे, दैट्स इट। और जो हमारा दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके के लिए आपको सर्च में ही टाइप करना है रन, RUN, एंड देन रन टाइप करने के बाद इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है %temp% एंड देन ओके। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जितनी भी फाइल्स नज़र आएंगी आपको उनको सिंपली डिलीट कर देना है। और कुछ फाइल्स में आपकी डिलीट नहीं होंगी तो उसको आप सिंपली स्किप कर दीजिए। तो ये हमारी फाइल्स जो है वो डिलीट नहीं होंगी, तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो हम अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, और थर्ड ऑप्शन के लिए आपको क्लिक करना है सर्च पे ही, सर्च पे रन टाइप करना है, और रन को ओपन करने के बाद इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है prefetch। prefetch टाइप करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे भी जितनी फाइल्स हैं आपको उनको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अब फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन के लिए आपको सिंपली सर्च में क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है डिस्क क्लीन अप, और डिस्क क्लीन अप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सी ड्राइव सेलेक्ट करके ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पे भी आपको सारे डायलॉग बॉक्सेस को चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद डिलीट फाइल्स, और सारी फाइल्स को डिलीट कर लेना है। दैट्स इट। चलिए अब हम अपना फिफ्थ ऑप्शन देख लेते हैं, और फिफ्थ ऑप्शन में भी आपको सर्च में ही जाना है। सर्च में जाने के बाद आपको टाइप करना है डिफ्रेगमेंट ऑप्टिमाइज ड्राइव, और इसको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद इसको यहाँ पे भी आपको सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। सी ड्राइव सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करना है, और इससे जो है आपका सिस्टम ऑप्टिमाइज हो जाएगा। That's it। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ जिसके लिए आपको सिंपली नीचे टास्क बार में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर खोलना है। टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टअप पे जाना है। स्टार्टअप में जो है आपको ये सारी ऐप्स देखने को नजर आएंगी। इनमें से कुछ ऐप्स ऐसी भी होंगी जिनको आप डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको आप डिसेबल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ओरिजिन जो है मैं इसको रोज़ यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे, जैसे iTunes है, ये इसको मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। सो इस ऑप्शन से आपकी जो स्टार्टअप परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी।
सो गाइज ये थे कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप अपने सिस्टम को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।